दोस्तों फोन के किसी भी ट्रिक को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा वीडियो मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। अगर आप अपने फ़ोन में इंटरनेट से कोई भी सीक्रेट वीडियो को डाउनलोड करते हैं और आप उसे किसी भी दूसरे दोस्त को या फिर कोई और पर्सन को दिखाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हमारा वो वीडियो सिक्योर रहे हमारे फ़ोन में, हमारा दोस्त हमारे फ़ोन तो ले पर वो वीडियो नहीं देख पाए, या फिर आपके कैमरे से रिकॉर्ड किया गया कोई भी सीक्रेट वीडियो आपको छोड़ाकर आपका कोई भी दूसरा पर्सन अब कोई नहीं देख पाएगा। हालांकि मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने रेडमी फ़ोन के अंदर में किसी भी सीक्रेट फ़ोटो वीडियो को या फिर किसी भी तरह के फोल्डर को बहुत ही आसानी से छुपा सकते हो और लॉक कर सकते हो बगैर किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए बगैर। दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहिए शुरू से अंत तक क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप सब देख रहे हैं ट्रिकर अमित। तो दोस्तों किसी भी फाइल्स को वीडियो को लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एमआई की फाइल मैनेजर में आना है। अगर आपके पास रेडमी का कोई भी फ़ोन है तो उसमें एक फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन रहता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप अपने फाइल मैनेजर में आ जाएंगे तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके फ़ाइल मैनेजर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ाइल मैनेजर जो है वो ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे हमारा 3D ऑडियो जो एक फाइल फोल्डर दिख रहा है आपको, इस फोल्डर में हमारा कुछ वीडियोज़ और फ़ोटो हैं और मैं चाहता हूँ कि इन सारी वीडियो और फ़ोटो को लॉक कर दो बिना किसी एप्लीकेशन के। तो आपको करना क्या होगा, इस फोल्डर को आपको रीनेम करना है। मैं इस पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ और इसके बाद मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम का बटन है तो यहाँ से मैं रीनेम कर लेता हूँ इसे। और रीनेम में आप याद रखें कि आप किसी भी फोल्डर के आगे एक डॉट का सिंबल लगा दें। देखिए मैं यहाँ पे डॉट का सिंबल लगा दिया हूँ और इसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। अगर आप इतना करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से ओके पे प्रेस कर देना है और देख सकते हो कि आपका वो जो फोल्डर था जिसमें आपका फाइल और वीडियो था वो छुप गया है, वो लॉक हो गया है। अगर आपके फ्रेंड्स या फिर आप चाहोगे कि इस वीडियो को हम देख पाएँ अपने एमएक्स प्लेयर में तो वो नहीं दिख पाएगा। और अगर आप चाहोगे तो आप इसे अनलॉक भी कर सकते हो, हालांकि मैं ये आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हो आपका वीडियो जो है वो लॉक हो गया, वो फोल्डर जो है वो लॉक हो गया, यानी कि आपको छोड़कर कोई भी दूसरा पर्सन अब आपका वो वीडियो नहीं देख पाएगा। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डॉट वाले फाइल पर क्लिक करना है और सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको शो हिडन फाइल्स का एक ऑप्शन दिखेगा तो इसे आपको ऑन कर देना है और यहाँ से पैक हो जाना है। अब आप देख लीजिए कि आपको वो फोल्डर आ गया है, डॉट 3D ऑडियो का जो फाइल है वो चलाया है। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपने जो भी किसी भी वीडियो को फाइल को लॉक किया था वो सारे का सारा वीडियो फाइल यहाँ पर आ गया है और अब आप इसे देख सकते हो। और आपको फिर से इसे छुपाना है तो आपको करना क्या होगा, फिर से आपको ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से इसे हाइड कर देना है और फिर से यहाँ से बैक हो जाना है। तो देख सकते हो आपका ये जो फाइल मैनेजर है वो हाइड हो गया है, यानी कि वो फोल्डर वीडियो था जो वो भी लॉक हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप बगैर किसी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के इसी तरह से आप अपने रेडमी फ़ोन में किसी भी मोबाइल डाटा को बहुत ही आसानी से लॉक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।